हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 के अगले नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है इसके दो नंबर क्वेश्चन के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पर कि आकृति, ये आपके जो बुक में दे दिया गया है, कह रहा आकृति यहाँ पर 6.18 दे दिया गया है में, यदि LM समांतर है CB के, ये हमको दिया गया है कि LM अगर समांतर है यहाँ पर किसके, CB के समांतर है, ये CB के समांतर है। तो उसके बाद हमसे कह रहा और उसके बाद दे दिया गया हमें यहाँ पर कि LN समांतर यहाँ पर है किसके, CD के समांतर है, ठीक है, ये CD के समांतर है। हो तो सिद्ध कीजिए, क्या हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है क्या चीज, AM बटे यहाँ पर दे दिया गया AB और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर AN और इसके बाद बटे में हो जाएगा यहाँ पर AD के बराबर, सिद्ध करना। अगर ये दो रेखाएं हमारी क्या हैं, सम यहाँ पर क्या हो जाए यहाँ पर कि LM जो है समांतर अगर हमारा CB है और LN जो है समांतर अगर CD, ये हमको दिया गया है, दिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर सिद्ध करना है क्या AM और AB का अनुपात और AN और AD का जो अनुपात होगा, क्या ये अनुपात बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा। तो देखिए LM कहाँ पर, LM हमारा देखिए ये यहाँ पर है और ये किन दो बिंदु, ये जो बिंदु है हमारा L और इसके M, ये किन भुजाओं पर स्थित है, ये भुजा हमारी AC पे स्थित है और ये M जो है हमारा AB वाले पे स्थित है ये। तो हमारा इस प्रकार से एक देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है, कौन सा त्रिभुज, A और उसके बाद यहाँ पर B और उसके बाद ये हमारा C, देखिए ये त्रिभुज हमें यहाँ पर प्राप्त होता है और ये त्रिभुज यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है इसका LM जो है यहाँ पर इस रेखा के समांतर है और आधारभूत समानुपाती जो है यहाँ प्रमेय हमने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज की अगर दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज की तीसरी भुजा के अगर वो समांतर हो जाती हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव जो है समान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे पहला त्रिभुज हमें क्या प्राप्त होगा, ये त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा A और उसके बाद M और उसके बाद L, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा AB और उसके बाद C, यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास AM और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा L और उसके बाद त्रिभुज हम ले लेंगे यहाँ पर A और B और उसके बाद C, ये त्रिभुज हो जाएगा AB और उसके बाद C। अब देखिए हमें दिया क्या यहाँ पर कि दिया था LM जो है समांतर है यहाँ पर BC के, ये LM जो है समांतर यहाँ पर है BC के समांतर है, तो ये दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ पर, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे और इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान होगा। तो AM को अगर हम AB से, देखिए AM इधर है तो AB इधर वाली भुजाओं का ही अनुपात निकालेंगे, तो AM और बटे में क्या हो जाएगा, AM और बटे में हो जाएगा यहाँ पर AB और बराबर में इधर वाले देख लीजिए A से लेकर L तक और उसके बाद A से लेकर यहाँ पर C तक, तो ये हो जाएगा हमारा AL और उसके बाद बटे में हो जाएगा यहाँ पर AC हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, ये आ गया हमारा। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो इतना हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद अगर हम इधर वाले त्रिभुज में हम देखते हैं यहाँ पर A और उसके बाद D और उसके बाद C, तो यहाँ पे NL ये हमको दिया LN जो है ये जो है समांतर हमारा किसके, CD समांतर है, तो इसकी ये भुजा और उसके बाद इससे A से लेकर D तक अगर इनको हम भाग करेंगे यहाँ पर अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो AL और उसके बाद यहाँ क्या होगा AC के जो है बराबर ही होगा यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर दे दिया गया यहाँ पर कि LN जो है यहाँ पर समांतर है CD के यहाँ समांतर है, तो त्रिभुज AN और उसके बाद L, ये त्रिभुज हो जाएगा AN और उसके बाद L समरूप होगा किस त्रिभुज के, A और D और उसके बाद C, ये त्रिभुज के क्या हो जाएगा यहाँ पर समरूप हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर AD और उसके बाद C के यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, AN का जो अनुपात अगर हम ज्ञात करेंगे AD के साथ में ज्ञात करेंगे तो AN और बटे में हो जाएगा यहाँ पर AD बराबर होगा किसके, AL और बटे में क्या हो जाए AC। देखिए इसकी पूरी भुजा हमने लिया, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है और ये क्या है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो इसको भी हम ले सकते हैं मगर ND हमको यहाँ पर प्रूव नहीं करना, हमको क्या प्रूव करना था AD, तो इसलिए हमने क्या इस त्रिभुज की पूरी भुजा लिया और इस त्रिभुज की ये पूरी भुजा यहाँ पर ले लिया,
तो AL क्या हो जाएगा, AL और बटे में हो जाएगा यहाँ पर किसके, AC के, ये हो जाएगा यहाँ पर AC के। इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने दो यहाँ पे। अब ये समीकरण एक और समीकरण दो को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर इसका दाएं पक्ष के बराबर है तो इसका बाएं पक्ष भी क्या होगा, बाएं पक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर एक व दो से, तो समीकरण एक और दो से हमें क्या मिलेगा, ए एम और बटिम हो जाएगा ए बी, बराबर हो जाएगा ए एन और बटेम हो जाएगा यहाँ पर ए डी, ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस ये ही हमको जो है यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा जो है यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया, कह रहा है आकृति 6.19 आपके बुक में लिखा होगा, NCERT की बुक है ये, क्या लिखा हुआ कि आकृति 6.19 में DE जो है समांतर है AC के, DE समांतर AC और उसके बाद दे दिया गया DF जो है समांतर यहाँ पर AE के दे दिया गया। तो हमें यहाँ सिद्ध करना BF अपान में FE और इसके बाद इजकल टू में BE अपान में EC यहाँ पर हमको सिद्ध करना। जैसा अभी आप हमने जो है आपको बताया था इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसी प्रकार से इसको भी आप लगा सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर इसको लगाएंगे, देखें DE समांतर AC है, अब DE है कहाँ पर, तो DE हमारे पास ये यहाँ पर है, ये हो गया हमारा DE और उसके बाद समांतर किसके है, AC के समांतर, तो AC कहाँ पर है, देखिए ये हो गया है AC यहाँ पर, तो ये DE जो है समांतर AC। अब AC किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा, तो त्रिभुज के अंतर्गत देखिए A से लेकर यहाँ C और ये C से कहाँ तक जा रहा है, ये C से आ रहा B तक और इसके बाद A से यहाँ पर आ रहा B तक, तो ये यहाँ पर जाकर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा कौन सा, AB और इसके बाद C हो गया यहाँ पर, और ये वाली भुजा किस में है, तो ये हमारा है D से लेकर E में गया और उसके बाद इधर अब अगर आते हैं तो हमें त्रिभुज यहाँ प्राप्त होगा, अगर इस साइड में जाएंगे तो एक चतुर्भुज हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी और इसके बाद डी और इसके बाद ई हो जाएगी यहाँ पर त्रिभुज। तो ये त्रिभुज की ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो अनुपात हमेशा क्या होगा हमारा जो है समान ही होता है। तो कैसे इसका निकालेंगे, अब देखिए हमको दिया गया है यहाँ पे कि डी ई यहाँ पर समांतर है AC के, यहाँ पर समांतर है, तो हम त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर A और इसके बाद B और C, ये दोनों त्रिभुज हमारे कहलाएंगे ABC त्रिभुज और उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, D और B और इसके बाद E हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज D और उसके बाद B और उसके बाद यहाँ पर हो जाए E, ये दोनों त्रिभुज हमारे कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब देखिए हमें निकालना है BF है कहाँ पर, ये BF यहाँ पर है और इसके बाद FE ये यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, और इधर राइट हैंड साइड में दिया है BE, तो BE कहाँ पर दे दिया गया है, तो BE ये यहाँ से यहाँ तक है और इसके बाद दे दिया गया EC दे दिया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखें इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है बड़ा वाले त्रिभुज की ये भुजा हमारी दे दिया गया है और इसके बाद इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कौन हमारी ये है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर इस हमने लिखा है ABC पहले लिखा हुआ है तो इसमें हम कर सकते, या फिर इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं हम कि ये वाले त्रिभुज हमारा DB और इसके बाद E, त्रिभुज DBE और इसके बाद समरूप हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज किसके, A और उसके बाद B और उसके बाद C, यहाँ पर त्रिभुज A और B और उसके बाद C। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा है छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर ऐसे ये है, तो इसकी एक भुजा तो हमको मिलेगी कौन सी, ये मिलेगी, ये हो गई छोटे वाले त्रिभुज की भुजा BE हो गया और उसके बाद बटे यहाँ पे ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये भुजा ये त्रिभुज अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाए ये ले लेंगे हम यहाँ पर E और उसके बाद C इज इक्वल टू। अब उसके बाद इधर देख लेते हैं ये वाली हमारी BD जो है छोटे वाले त्रिभुज की पूरी भुजा है यहाँ पर, तो BD और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर ये इधर ले लीजिए AD, तो ये हो जाएगा हमारा A और उसके बाद D हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर एक। उसके बाद दूसरा हमें क्या दे दिया गया, DF समांतर दिया था AE दे दिया गया था, तो DF समांतर है किसके, AE के हमारा जो है समांतर है, तो त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते। अब DF कहाँ पर हमारा दिख रहा है, देखिए DF ये है हमारा, ये है DF और समांतर किसके, AE के, ये है DF, ठीक है, इसके समांतर है, तो ये है इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, ये देखिए यहाँ पर,
और उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज हमें कहाँ कहाँ तक मिलेगा, ये हमें मिलेगा ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे यहाँ मिलेगा। तो छोटे वाला त्रिभुज की भुजा और इसके बाद बट्टे में ये मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक हमें मिल रहा है ये समांतर भुजा ए ई यहाँ मिल रही है। तो ये हो गया हमारा ए और बी और इसके बाद एक त्रिभुज ये हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज कौन हो जाए ए और डी और बी और एफ, ये दोनों ही क्या होंगे समरूप होंगे हमारे। तो हम लिख सकते हैं डी और इसके बाद बी और एफ समरूप हैं किसके, यहाँ पे ए और बी और उसके बाद ई के। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए और बी और उसके बाद एफ के समरूप हैं। तो देखिए डी बी और उसके बाद एफ, ये यहाँ पे ये वाली भुजा ये तो समांतर है, इसको नहीं लेना है ये लेना है। देखो पहले हम नीचे वाली भुजा ले रहे थे, इसमें भी लिखा था इसलिए पहले इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी एफ, ये बी एफ और बटे में ये यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, क्योंकि ये वाला त्रिभुज यहाँ पर ऐसे हमने लिया है बड़ा वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाना है। बटे में हो जाए एफ और उसके बाद ई और इज इक्वल टू, इस साइड में क्या हो जाएगा देखिए, ये है छोटे वाले त्रिभुज की डी बी पी डी भुजा है और इसके बाद ये ए डी, तो कितना हो गया यहाँ पर बी डी और बटे में हो जाएगा यहाँ पर ए डी, ए डी चाहे लिखिए चाहे डी ए लिखिए। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा। अब समीकरण एक और समीकरण दो में जो हम देखते हैं तो इसका राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक और दो से हो जाएगा बी और उसके बाद ई और बटे में हो जाएगा यहाँ पर ई सी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा बी एफ और बटे में हो जाएगा यहाँ पर एफ ई। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा क्या कह रहा आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर क्या है ओ आर दे दिया गया है। तो कह रहा दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ क्या है समांतर क्यू आर है। अब दो भुजाएं समांतर कब होंगी अगर उनके जो है संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए समान हो जाता है, तो वहाँ पर उन त्रिभुजों की जो भुजाएं जो हैं उस त्रिभुज की भुजा जो है क्या कहलाती है समांतर कहलाती है। तो सेम उसी प्रकार से आधारभूत समानुपाती जो प्रमेय हमारी होती है उसी से हम इसको प्रूव करें जो दिया है देख क्या दिया गया डी एफ जो है डी ई जो है समांतर है ओ क्यू के। तो डी ई कहाँ पर है ये डी ई हमारी है ये यहाँ से यहाँ तक डी ई है किसके समांतर है ओ क्यू के। तो ओ क्यू कहाँ पर ये है हमारा। तो हमको अब लेना कौन सा है हमको लेना है त्रिभुज ये वाले ये ऐसे यहाँ पर त्रिभुज हमको यहाँ पर लेना ये ऐसे ठीक है और इसके बाद ओ क्यू तो ओ क्यू वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर हमको ये त्रिभुज लेना है बड़ा सा ठीक है। तो कौन कौन से हमको दिया है डी ई और उसके बाद समांतर है यहाँ पर ओ क्यू के समांतर है ओ क्यू ठीक है ये हो गया समांतर। तो त्रिभुज हमारा पी ई और डी ये वाला या लिख सकते हैं पी और डी और उसके बाद ई ये पी और उसके बाद डी और उसके बाद ई यहाँ पे समरूप होगा किस त्रिभुज के पी ओ और क्यू के। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी ओ और उसके बाद क्यू के हो जाएगा हमारा समरूप हो जाएगा और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं देखिए यहाँ पर ले सकते हैं ये पी ओ देखिए ये पी डी पी डी और बटेम क्या हो जाएगा यहाँ पर इधर ही साइड में लेना है ये हो जाएगा इसको डी ओ भी ले सकते हैं आप या पी ओ भी ले सकते हैं ठीक है। तो पी ओ हो गया और उसके बाद इजिकल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये पी ई हो गया पी ई और बटेम क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास P से लेकर यहाँ पर Q तक ये हो गया यहाँ पर P और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा ठीक है इतना हो गया। तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर एक सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको लगाना जैसे तीसरा नंबर और उसके बाद चौथा नंबर बताया था। उसके बाद अब हमको यहाँ पर क्या दिया था तो DF ये हमको दिया था DF समांतर है OR के समांतर है। तो अब DF कहाँ पर है तो देखिए DF ये यहाँ पर है ये यहाँ पर है और उसके बाद ओ आर कहाँ पर ये है। तो अब लेना कौन कौन यहाँ कौन से त्रिभुज हो जाएंगे डी पी डी और उसके बाद एफ हो जाएगा त्रिभुज पी डी और उसके बाद एफ और समरूप हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज किसके पी ओ और उसके बाद आर के ये त्रिभुज हो जाएगा पी ओ और उसके बाद आर के समरूप हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर से वही काम करना है ये पी डी जो भुजा है वो पी डी और एफ वाले के हैं तो यहाँ लिखेंगे पी और डी और बट्टे में और ये P से लेकर O तक ये क्या त्रिभुज किस त्रिभुज की भुजा है पी ओ आर वाले त्रिभुज की है तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी ओ और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर इधर वाले त्रिभुज के ले लीजिए P से लेकर F तक पी एफ
और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर पी और आर, ये हो गया हमारा पी और उसके बाद आर। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक और दो में जो हम देखते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, दायां पक्ष भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा समीकरण नंबर एक व दो से, तो समीकरण नंबर एक और दो से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा पी ई, ये हो जाएगा यहाँ पर पी ई और बटे में हो जाएगा पी क्यू और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर पी एफ और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर पी आर। अब यहाँ पर जो हमको मिल रहा है देखिए क्या मिल रहा है, पी ई, पी ई कहाँ पर है तो पी ई हमारा जो है यहाँ से और उसके बाद ये हो गया पी ई हो गया और बटे में क्या लिखा पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ पर है, ये पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। उसके बाद पी एफ, तो पी एफ कहाँ पर, ये हमारा पी एफ है और उसके बटे में क्या लिखा हुआ यहाँ पर पी आर, ये यहाँ पर लिखा पी आर लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें पी ई, पी से लेकर ई तक और उसके बाद पी से लेकर क्यू तक यहाँ पर, पी से लेकर एफ तक और उसके बाद पी से लेकर आर तक यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो ये दो बिंदु हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, जो क्या करते हैं ये वाला त्रिभुज हमारा एक त्रिभुज यहाँ बनना है पी और उसके बाद ई और यहाँ कोई एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे, कोई भी बिंदु ले सकते हैं यहाँ पर ए ले सकते हैं यहाँ पे, तो पी ई और ए और उसके बाद पी और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे ये पी और हटा दीजिए इसको जो है पी ई और उसके बाद एफ ये त्रिभुज और उसके बाद पी और क्यू और उसके बाद आर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या हमको दिख रहे हैं इनके भुजाओं का अनुपात जो है वो समान, अगर भुजाओं के अनुपात समान है तो इस त्रिभुज की ये आधार वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये आधार वाली भुजा, इन ये दोनों भुजाएं क्या होंगी हमारे एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए पी ई ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये उसके बाद पी क्यू लिखा हुआ है और इधर पी एफ लिखा है और उसके बाद पी आर लिखा है यहाँ पर, तो बीच में कौन सी मिल रही है यही तो भुजा मिल रही है, तो ये वाली भुजा हमारी क्या होगी इस भुजा के जो है समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप लिख दीजिए आधार वो समानुपाती प्रमेय के द्वारा ये हमारा क्या होगा पी एफ त्रिभुज, ये पी और ई और एफ, पी और उसके बाद ई और उसके बाद एफ समरूप होगा पी और क्यू और उसके बाद आर के त्रिभुज, ये हो जाएगा यहाँ पर पी और क्यू और उसके बाद आर के, और दो समरूप त्रिभुज के जो है क्या होती है यहाँ पर एक भुजा जो है समांतर होती है, वह भुजा समांतर कौन सी होगी ये हमारी होगी ई एफ समांतर हो जाएगी यहाँ पर क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो इसके आगे क्वेश्चन जो है अपने अगले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।